गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयर करूं, दैट इज माय प्रेगनेंसी। माय एक्सपीरियंस बहुत ही पर्सनल होता है, बट देन आई थॉट कि नहीं, आई शुड लाइक यू नो शेयर माय एक्सपीरियंस। तो जब मैंने सेबम को कंसीव किया था, व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, आई रिमेम्बर बहुत मेरी फिल्म्स के शूट चल भी रहे थे और आगे की प्रमोशंस भी थी, आने वाली फिल्म्स की कमिटमेंट्स भी थी, लॉट मेनी अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, बिग बॉस एंड आई नो वॉट नॉट। आई वॉज सराउंडेड विद वर्क, यू नो, जिसको बोलते हैं ना कि एट पीक ऑफ योर करियर, एंड सडनली आई गेट टू नो दैट यू नो आई एम प्रेगनेंट। और वो जो एक फीलिंग थी जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेगनेंट हूँ, आई थिंक मुझे पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मुझे लगा मैं, एज इन लाइक मैं, आई एम बिकमिंग अ मदर। अभी तो मतलब मैं अपनी मम्मी को मम्मी बोलती हूँ, मैं कहाँ से मम्मी बन गई, मैं तो लाइक आई एम अ बेबी माई सेल्फ। तो वो जो थोड़ी सी एक्सेप्टेंस का आ जाता है ना फैक्टर, कि यार मतलब मैं कैसे, आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड वन एंड मैं, बट आई वॉज इतने इमोशंस इन माय हार्ट। मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया के सारे हैप्पीनेस समा के मेरे अंदर आ गई है, एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, फुल ऑफ टीयर्स एंड फुल ऑफ इमोशंस। और मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरे साथ ये हो रहा है, कि मैं सब भूल गई हूँ कि फिल्म्स हैं, काम है, कमिटमेंट्स हैं, सब कुछ साइड में रह के I was super thrilled and super happy। और वो जो एक वही बात हो जाती है ना कि जब जो चीज़ होनी है तब होनी है, यू नो, when you're not prepared, suddenly चीज़ें तब होती हैं, and then that's the test, I think, that how you handle। But I was super thrilled, super happy, full of emotions, looking forward, यकीन ही नहीं हो रहा था। and then when I told my husband, just Raj, when I told him that I think you'll be the best father because we're becoming parents, or I'm so blessed, you know, ki main you're the father of my child, and because I know that he is the best person, the best human being, the best husband and the best son। तो मुझे पता था दैट ही जस्ट से अच्छा फादर कोई हो ही नहीं सकता। आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली सी हिम एज अ फादर नाउ। सो एंड ही गॉट सो इमोशनल, फुल ऑफ टीयर्स, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट दैट वी शेयर्ड। उसके बाद देन माय फैमिली, मेरी फैमिली तो मतलब क्रेजी हो गई, माय मॉम, डैड, यामी, वो जस्ट एवरीबॉडी मतलब चीके मार रहे थे कि वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी इन द फैमिली। उसके बाद देन माई जर्नी स्टार्टेड। मेरी चाय जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी चाय छुड़वा सकता है, वो सेबंग ने छुड़वाई। यू नो, वो जो हम नौजिया पीरियड बोलते हैं, लाइक फर्स्ट 5 months आई डेंट हैव टी, इट वॉज मतलब मुझे नहीं लगता मैं कभी लाइफ में ये कर सकती हूँ, बट 5 महीने मैंने चाय नहीं पी। बट थैंकफुली कोई फिल्मी सीन नहीं था, यू नो, जैसे आप वॉमिट कर रहे हो या आपको चक्कर आ रहा है और वो जो सारे फिल्मी सीन होते हैं वो सब नहीं था, थैंकफुली। बहुतों को होता भी है, आई मीन आई डोंट मीन टू ऑफेंड, बट इट डिडंट हैपन विद मी। मैंने ऐसा सोचा था कि शायद मेरे साथ भी होगा, जब भी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। टचवुड, एवरीथिंग वेंट रियली स्मूद एंड फाइन। उसके बाद इट वॉज अ वेरी हैप्पी टाइम। मैं शूट पे भी जाती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। पीपल यूज टू से, मेरे जो प्रोफेशनल फ्रंट के हैं, कि मैम टाटा काफी ग्लो लग रहा है फेस पे, परे परे लग रहे हो थोड़े, एनी गुड न्यूज? आई यूज्ड टू से नो, बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी क्लियर दैट यू विल नॉट टेल एनी बडी, जब तक हो नहीं जाता, किसी को शोर नहीं मचाना, यू नो, जैसे पेरेंट्स पोजेसिव होते हैं। सो आई यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस, बट बिकॉज आई ऑलवेज हैड दी टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट, मतलब मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि मुझे हवा भी लग जाती है, मैं हवा भी करूंगी तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो द डे आई गॉट, और मैंने ऑल माई लाइफ आई लाइक यू नो डन डाइटिंग एंड लीन रहने के लिए, स्टार्व कर रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम, दुनिया भर की सारी चीजें मैंने की, यू नो, टू मेंटेन फिट, एंड आई वॉज, बट द डे आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेगनेंट,
मतलब मुझे तो ऐसा था कि मैंने दुनिया की हर चीज खा लेनी है, मैंने इतना खाना है. एंड एक्चुअली आई गेन्ड 35 kgs. यस, जब मैं ओटी में जा रही थी आई वॉज 95 जब मैं ओटी में जा रही थी 95 kgs. सो मैंने इतना इंजॉय किया है, इतना खाया है तो, और मुझे ऐसे चढ़ रहा था लाइक ऐसे वेट 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo, मैं कुछ नहीं सोच रही थी. मेरे को पता था कि यार आई एम गोइंग टू इंजॉय दिस टाइम, आई एम गोइंग टू ईट, आई एम गोइंग टू हैव फन, आई एम गोइंग टू लाफ अराउंड. मुझे जो करना है मैंने करना है. अब मैंने कर ली डाइटिंग, बहुत कर ली, नाउ दिस इज द टाइम, दिस इज माई टाइम. सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. एंड देन जब मैंने इनिशियली बिकॉज आई यूज्ड टू गो फॉर शूट्स एंड एवरीथिंग, तो वो दिख तो जाता ही है चीक्स पे कि हाँ, क्योंकि आप जब इतने लीन होते हो तो स्पेशली, तो कहीं भी मैंने जाना सबसे पहले तो लोग आई थिंक आपको एक सेकंड में जज करते हैं, मोटे हो गए तुसी काफी, हाँ जी वेट तो डबार, अच्छा हूँ छाती डाइटिंग कर नहीं रहे, हैज टू बी लाइक व्हाटएवर. सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम. उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूदली जा रहा था, बट इन माई सिक्स्थ मंथ I don't know what happened, but then I just woke up and I remember that I woke up and I had spotting. So I was stoned. मतलब जैसे आप बिल्कुल blank हो जाते हो ना कि ये क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक जा रहा था और मैंने कुछ किया नहीं. I'm not traveling. मैं कुछ ऐसे दौड़ भाग चीजें नहीं कर रही. लड़कियां अपने आप को बहुत active रखती हैं, you know, gymming and traveling and exercising and working. बट मेरा बहुत मॉडरेशन में था सब कुछ. लाइक मैं अपने आप को बहुत एग्जॉर्ट, बहुत स्ट्रेन मैं नहीं करती थी, यू नो, नो एक्सरसाइजिंग, जस्ट बीइंग होम, आई टू जस्ट बी होम. जब कुछ ऐसा होता था आई टू वर्क, बट बहुत ज्यादा नहीं, बट स्टिल दिस हैपन. तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब वाई, और मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं. एंड देन इट वॉज दैट फीलिंग कि अगर कुछ गलत हो गया सो आई वोंट बी एबल टू टेक इट. आई मीन आई वॉज सो नर्वस एंड शिवरिंग फ्रॉम इनसाइड कि मुझे लगा दैट आई वोंट बी, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी टू टेक एनीथिंग, एनी नेगेटिव न्यूज और एनीथिंग नेगेटिव, यू नो. सो आई वॉज शिवरिंग थ्रू आउट, बट देन माई डॉक्टर सेड कि आपका प्लेसेंटा लो है, सो इट्स ओके, नथिंग टू वरी एट ऑल, जस्ट रेस्ट. सो 3 months देन I was on bed rest and jitna sa main hil dul rahi thi wo bhi mujhe doctor ne mana kar diya tha, but that was fine because wo hi baat hoti hai ki aapki health se upar and you know aapki baby ki health se upar aur kuch nahi hota. So I was again back watching good cinema and family and laughing around and eating, aur karte karte 9th month aa gaya. और 9th month जैसे ही आया तो मेरी फैमिली तो मतलब ऐसे हो गई कि अब कब होगा, अब कब होगा. और मेरी पूरी फैमिली घर पे थी, यामी, आदित्य, ओजस, जस, माय पेरेंट्स, माय एवरीबडी, सब घर पे थे और सबको एक ही इंतजार था कि सैभम सिंह कब आएंगे, मिस्टर डोनट कब आएंगे. और कोई नामो निशान नहीं था, मतलब मेरा 9th month भी खत्म होने को आ गया था, बट आई थिंक सैभम वॉज चिलिंग इन साइड अंटिल one night I started थोड़ी थोड़ी सी cramping सी मुझे stomach में feel हो रही थी कि कुछ थोड़ा सी दर्द सी हो रही है, but I thought कि ऐसे ही है because I used to eat a lot also, तो मुझे लगा कि ऐसे ही है, I didn't take it seriously. Next morning I made tea for myself, I had tea, told mummy कि मम्मी मुझे थोड़ी थोड़ी pain हो रही है, but nobody took me seriously. वो शेर आए वाली कहानी है कि actual जब day आया तो किसी ने भी नहीं believe किया, सब ऐसे ही कैजुअल कि ऐसे ही होगा, ऐसे थोड़ा सा चल ले, थोड़ा सा घूम ले, बस यही था. अंटिल आई स्टार्टेड स्पॉटिंग अगेन, द मोमेंट आई स्टार्टेड स्पॉटिंग एंड आई टोल्ड माय फैमिली कि आई हैव स्टार्टेड स्पॉटिंग, ओ माय गॉड, दे वेंट मैड अगेन, वंस अगेन क्रेजी. मतलब वो जो एक दिन था जो मैंने बताया था कि आई हैव कंसीव्ड, और वो जो दिन था कि अब सैभम सिंह आज आने वाले, आज आ रहे हैं या कल तक तो चलो आ ही जाएंगे, दे वेंट मैड. मैं पूरा घर सुबह के आई थिंक 8 बज रहे थे और पूरा घर मतलब उथल पुथल हो चुका था कि जल्दी करो ऐसे चलो. मैंने कहा नहाने तो, नहीं अभी हो जाएगा. माई डैड स्पेशली, माई डैड वेंट क्रेजी नट्स,
कि चलो चलो, मैंने कहा पापा मेरे को नहाने तो दो. ही वॉज नॉट लेटिंग एनीबॉडी टेक बाथ. इट वॉज लाइक कि बस सिट इन द कार एंड जस्ट लेट्स गो, भी रास्ते में हो जाएगा. मैंने कहा पापा ऐसे नहीं होता जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, रास्ते में नहीं होगा. बिकॉज माई मेरा घर मोहाली में एंड यू नो माई गायनियक वॉज इन 19 सेक्टर. तो वो पापा को लग रहा था कि ये जो डिस्टेंस है आधे घंटे का या 40-45 मिनट्स का, बिकॉज सुबह ट्रैफिक भी होता है, इस बीच में कुछ ना हो जाए. एंड वी वर टेलिंग पापा टू एक्चुअली काम डाउन. एंड आई वॉज सो नर्वस. मैं नर्वस इसलिए थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज मेरी मॉम ने स्पेशली बोला था यू नो कि नॉर्मल डिलीवरी पे हमने फोकस करना है, नॉर्मल डिलीवरी पे. और मैंने नॉर्मल डिलीवरी की वीडियोज देख ली थी. भाई कभी भी वीडियोज मत देखो. मेरे को तो आज तक घूम रही है वो जो नॉर्मल डिलीवरी की जो वीडियोज थी, पता नहीं मैंने क्यों देख ली. और वो जो देख के जो मेरी हालत थी, मुझे तो था ये तो मैं कर ही नहीं सकती. मतलब आई गॉट, मतलब मैं बता, मतलब ही हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या फील हुआ. बट मेरी सलाह ये होगी कि कभी भी वीडियोस देख के मत जाओ जो मैंने गलती की थी. और मैं बहुत नर्वस की ये तो मैं कर ही नहीं सकती. एंड यामी वॉज वेरी, नहीं नहीं शिलू ऐसे नहीं सोचना, अगर नॉर्मल हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट यू हैव टू जस्ट काम डाउन, डोंट ओवर स्ट्रेस, जैसे भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसे ऐसे करके जैसे बिग सिस्टर्स करती है ना. वो सो नर्वस, मतलब आई कॉन्ट टेल यू. एक बंदा बैक पैक कर रहा है, एक बंदा मुझे जराबे पहना रहा है, सर्दियां थी, एक बंदा और पैकिंग कर रहा है, एक बंदा गाड़ी निकाल रहा है, मतलब पूरी फैमिली. इट वॉज लाइक, इट वॉज अ सीन एक्चुअली टू वॉच दैट डे. एंड देन वी रीच द हॉस्पिटल. वहां जाके पता लगा, माय गायनेक शी टोल्ड मी कि पेन्स आपको शुरू हो गई हैं लेकिन डायलेशन नहीं है, मतलब डोनर जी नीचे नहीं आए हैं. सो आप एडमिट हो जाओ. सो लेट्स वेट आफ्टर 4 आवर्स, अगेन वील चेक कि डायलेशन है कि नहीं. ओ माय गॉड, चार घंटे बाद वो डायलेशन चेक कर रहे थे कि डोनर जी नीचे आए नहीं आए, नीचे आए नहीं आए. बट नहीं, ऊपर ही थे. और मतलब पेनफुल ऑन, 100% पेन. इट वॉज सो मतलब मैं सोफे अड़ गई हूँ. इतनी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है मदरहुड एंड दिस डिलीवरी. ये जो चैलेंजेस होते हैं दैट आई कांट, मतलब जो इंसान एक्सपीरियंस करता है उसी को पता है कि ये कैसा एक्सपीरियंस होता है जिसने एक्सपीरियंस किया होता है. इट वॉज सो पेनफुल. उसके बाद देन माई गायनेक टोल्ड मी सारी रात दोबारा पेन हुआ. 2 nights आई वॉज इन भरपूर इमेंस पेन. एंड देन माई डॉक्टर शी टोल्ड मी दैट मॉर्निंग में वील बर्स्ट योर वाटर बैग एंड देन जस्ट टेक एन एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत पेन्स ले चुके हो एंड देन वील गो हैड विद दी डिलीवरी. मुझे तो था जो करो भाई जल्दी करो, आई स्टिल रिमेम्बर. उसके बाद अगले दिन सुबह देन वाटर बैग बर्स्ट करने के बाद आई थिंक देन दे सेड दैट वील हैव टू डू अ सी सेक्शन इमीडिएटली. एंड वी वर लाइक वॉट, मतलब अगर ये सी सेक्शन ही कराना था तो आप उसी वक्त करा देते, लाइक वाई वेट फॉर 2 nights, उसी टाइम करा देते सी सेक्शन. बट देन दे सेड दैट इमीडिएटली अब एंड दे जस्ट टुक मी टू ओटी एंड विद इन आई थिंक 5 to 7 minutes आई सॉ छोटी छोटी दो लेग्स ऐसे निकल के ऐसे जा रही हैं और ऐसे जा रही है. कुछ सी एवरीथिंग ना, बिकॉज दे कीप यू, आपको वो सेडेट नहीं करते, थोड़ी देर बात करते हैं तो आप एक्चुअली आप यू कैन सी योर बेबी यू नो कमिंग आउट एंड थोड़ी आपको कवर किया होता है, बट देन यू कैन सी कि आपका बेबी आ रहा है. आप जागे होते हो, आपको पता चल रहा है, बट आप नंब होते हो बिकॉज आपको एपिड्यूरल दिया होता है, आपकी बैकबोन में इंजेक्शन दिया होता है, तो आपको कुछ फील नहीं होता, बट यू कैन सी एवरीथिंग. आई मीन आप जागे हो. सो आई सॉ दीज 2 little legs कमिंग आउट एंड बिल्कुल क्यूटी मतलब प्लम्पी सी डोनट की लेग्स. वो जो फीलिंग थी व्हेन आई सॉ हिम यू नो कमिंग आउट ऑफ मी एंड उन्होंने रेडी करके डोनट को, ब्यूटीफुल सुंदर कपड़े जो मम्मी ने निट किए थे सैबंग के लिए. आई रियली वॉन्टेड कि मम्मी के बनाए हुए सैबंग स्वेटर और वो चीजें डाले और मेरे पास ले आए वो उसको रेडी करके. जब वो मेरे पास लेके आए और जब वो मदरली टच देते हैं, मदरली टच जब उन्होंने सैबंग के चीक्स मेरे चीक के साथ टच किए, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये मेरा बेबी, लाइक आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी. आई कॉन्ट बिलीव. और मुझे ऐसा लग रहा था दैट ही इज सो प्योर एंड आई एम अंडर गोइंग सर्जरी एंड एवरीथिंग एंड आई एम, मैं मतलब यू नो आई एम नॉट इन दैट
स्टेट, पर ये तो बहुत ही प्योर है और मैं इसको टच नहीं करना चाहती कि आई कांट पुट इन टू वर्ड्स लाइक वॉट आई फेल्ट एट दैट टाइम. बट मुझे था कि ही सो प्योर एंड आई डोंट वॉन्ट टू इम्प्योर हिम बिकॉज आई एम नॉट यू नो आई एम स्टिल अंडर गोइंग सर्जरी एंड एवरी थिंग. तो मैं क्लीनिनेस कह लो या कुछ भी कह लो बिकॉज ऑब्वियसली आप उस स्टेट में होते हो दिस ब्लड अराउंड एंड एवरी थिंग. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं मैं ये तो बहुत ही फूल की तरह है प्योर और मैं इसको दे जस्ट बिल्कुल मेरे ऊपर उन्होंने कर दिया. एंड आई फेल्ट मुझे काफी टाइम तक मुझे ये चीज नहीं बिलीव हो रही थी कि आई हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड लाइक मेरे से आया है ये. दिस ब्लेसिंग इज शावर्ड अपॉन मी. ये भगवान ने मेरे को ये ब्लेसिंग दी है कि मैं एक जीव को एक बच्चे को जन्म दे रही हूँ यू नो. इतनी बड़ी ब्लेसिंग भगवान की मेरे पे आई है. तो वो मैं इतनी ज्यादा मेरा वंस अगेन यू नो मेरा मन भर गया था और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था. आई वॉज एंड देन ही वेंट और उन्होंने वापस अपना प्रोसेस स्टिचिंग एंड एवरी थिंग बिकॉज वो सैबंग को ले गए टू जस एंड माई मॉम एंड मेरे प्रॉपर उन्होंने मुझे स्टिच किया एंड एवरी थिंग एंड देन जस्ट वेंट टू द रूम एंड हेल्ड हिम बैक. और फिर जो आपके दोबारा न्यू चैलेंजेस होते हैं यू नो ब्रेस्ट फीडिंग होल्डिंग योर बेबी. अब वो ब्रेस्ट फीडिंग का भी आपने कैसे उस चीज को आपने समझना है और उस चीज के साथ कैसे कंफर्टेबल होना है और वो कितना इम्पोर्टेंट है. ये सारी चीजें अपने आप से आती हैं यू नो. ये आपको कोई सिखा सकता है बता सकता है बट वो जो चैलेंज है वो आपने खुद ही लेना है और खुद ही करना है यू नो. तो वो जो एक चैलेंज था इट वॉज टफ. इट वॉज एक्चुअली वेरी टफ फॉर मी बिकॉज नाउ टू ईच इट्स ओन होता है. कुछ लोगों को जल्दी चीजें हो जाती हैं कुछ को नहीं होता. सो मेरे लिए इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट. बट धीरे धीरे वही शायद मदरहुड होती है पेरेंटहुड होता है कि आप अपने आप को बिल्कुल पीछे रख देते हो अपना कंफर्ट अपनी नींद अपनी अपना एक आप बिकॉज एज अ मदर यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सो मच. आपके स्टिचेस लगे हैं आपने अभी अभी डिलीवर किया है बट आप यूर ऑल योर बैक लाइक मेरी बैक अभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करती. आई मीन एट दिस टाइम ऑल्सो आई एम टॉकिंग विदाउट लाइक बैक सपोर्ट एंड माई बैक इज हर्टिंग a lot because of the injection that I took on my back. So that's why they say that normal delivery best hoti hai then C-section because aapki back aapko support nahi karti. But I think wo jo ek selfless feeling hoti hai of a mother ki aapne apne bare mein na soch ke aap immediately the moment your baby is born aap apne aap ko piche rakh ke everything is according to the baby for the baby his food his ab so raha hai ab uth raha hai ab aise. तो ये मदरहुड जो एक्सपीरियंस करता है ये उसी को पता है कि ये एक्सपीरियंस क्या है. बट आई रियली विश एंड प्रे दैट एवरी गर्ल शुड एक्सपीरियंस मदरहुड. हर लड़की को मदरहुड एक्सपीरियंस करनी चाहिए. हर लड़की पे ये कृपा होनी चाहिए ये ब्लेसिंग होनी चाहिए टू बिकम अ मदर टू डिलीवर अ चाइल्ड. एंड तभी पता लगता है कि एक्चुअल खुशी क्या है. बाकी सारी चीजें योर वर्क योर आपका काम आपकी कमिटमेंट्स आपकी फिल्में आपकी और जॉब सारी चीजें ऐसे लगता है कि हो जाएंगी दोबारा कर लेंगे दोबारा मोटे हुए हैं दोबारा पतले हो जाएंगे प्रोसेस होता है टाइम लगेगा इट्स ओके. लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है यू नो आपके बच्चे के ऊपर टू डिलीवर अ चाइल्ड टू रेज अ चाइल्ड टू हैव दिस ब्लेसिंग इस चीज के ऊपर कुछ नहीं है बिकॉज आप एक अचीवर हैं. मुझे बहुत एक अचीवर की फीलिंग आती है कि यार मैंने आई हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड एंड आई एम रेजिंग हिम. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मतलब कितनी बड़ी आप अचीवमेंट है आपकी कि आप इतने सेल्फलेस हो यू नो दैट आप इतने वर्दी हो कि भगवान ने आपको ये मौका दिया है टू एक्चुअली गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड रेज अ चाइल्ड. So this was it. This was my beautiful, beautiful experience. And now Sebang is 17 months. देखते देखते डेढ़ साल का हो गया अभी दो साल का हो जाएगा. तो एवरी डे अब मैं उसको देखती हूँ कैसे दौड़ रहा है भाग रहा है चीजें कर रहा है. आई एम ऑल्सो स्लोली कमिंग इन बैक इन माई प्रोसेस ऑफ यू नो ऑफ वर्क एंड फिल्म एंड कमिटमेंट्स वो सारी चीजें वापस आई जाती हैं.
but it's beautiful. And this was it. This was today's my sharing my experience with you all, and I hope you like it. And until we meet next time, see you guys. Bye. I love you all.